हाँ तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इसी टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे लाइट रूम ऐप का यूज करके। गाइज आपको भी कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीखना होगा, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में आप 100% कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल सी फोटो है, तो सबसे पहले तो आपको अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। या सर मैं डायरेक्ट लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ एडिट इन लाइट रूम पर टैप करके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट रूम एप्लीकेशन में फोटो को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर आपको ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, तो ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लाइट का एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको हाईलाइट्स को पूरा डिक्रीज करके माइनस में आपको 100 कर लेना है। नेज कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से आपको व्हाइट्स को भी डिक्रीज कर लेना है और व्हाइट्स को डिक्रीज करके माइनस में 25 रखना है और ब्लैक्स को भी आपको डिक्रीज करना है माइनस में 37%। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर वाला टूल पे क्लिक कर देना है और टेम्परेचर को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके 32% प्लस में आपको रख लेना है और टिंट को यहाँ से आपको डिक्रीज करना है, टिंट को डिक्रीज करके माइनस में 31% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है ना, सैचुरेशन को यहाँ से आपको कम करना है और सैचुरेशन को कम करके माइनस में आपको 32% रख लेना है और सॉरी गाइस यहाँ पे आपको ह्यू को कम करके माइनस में आपको 32% रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से सैचुरेशन को आपको बढ़ा लेना है, सैचुरेशन को बढ़ा के यहाँ से आपको रख लेना है प्लस में आपको रखना है 34%। एंड गाइस यहाँ से ल्यूमिनस को आपको कम कर देना है माइनस में 27% आपको 25% रख लेना है माइनस में। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या करना है ना, येलो कलर आपको सेलेक्ट करना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका ह्यू को आपको पूरा इंक्रीज कर लेना है, यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ से आपको यहाँ 70 के आसपास इसको कर लेना है, 71% आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ सैचुरेशन को आपको कम करना है, ठीक है। इतना आपको कम कर लेना है, यहाँ से देख सकते हो मैं इतना कर लेता हूँ 66%, ठीक है। इतना आपको कम कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ल्यूमिनस को आपको इंक्रीज कर लेना है, ल्यूमिनस को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 12% रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है और ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को आपको कम करना है और सैचुरेशन को कम करके यहाँ से माइनस में आपको 32% आपको रख लेना है, 30 के अराउंड आप रख सकते हो, ठीक है, आसपास। उसके बाद यहाँ से ल्यूमिनस को आपको इंक्रीज करना है और इसके बाद यहाँ से रेड कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को आपको इंक्रीज कर लेना है 34% और ह्यू को यहाँ से आपको डिक्रीज करना है माइनस में 24%। उसके बाद यहाँ से एक्वा ब्लू कलर आपको सेलेक्ट करना है। एक्वा ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका ह्यू आपको डिक्रीज करना है और डिक्रीज करके माइनस में 28% आपको रख लेना है। सैचुरेशन को भी यहाँ से हम डिक्रीज कर लेंगे माइनस में 35% और ल्यूमिनस को भी यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे हम माइनस में 18%। इतना करने के बाद यहाँ से ब्लू कलर को आपको सेलेक्ट करना है और इसका सैचुरेशन यहाँ से आपको इंक्रीज करना है प्लस में आपको 26% रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से पर्पल कलर आपको सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन आपको पूरा डिक्रीज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेजेंटा कलर आपको सेलेक्ट करके इसका भी सैचुरेशन पूरा आपको डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। उसके बाद यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आपको डन कर देना है। अभी फोटो को यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, इस फोटो के अंदर ग्रीन सा टोन आ चुका है, लेकिन फोटो को और भी ज़्यादा हम क्रिएटिव एडिट करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मिक्स टूल के साइड में ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको शैडोज मिल जाएगा, शैडोज को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे ब्लू के साइड में आपको कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से ल्यूमिनस को आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। डिक्रीज करके माइनस में 23% रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से ब्लेंडिंग यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आपको इंक्रीज कर लेना है 89% आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में, ठीक है। और बैलेंस को भी यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे 20 के आसपास आपको रख लेना है बैलेंस को इंक्रीज करके। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या करना है, हाईलाइट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाईलाइट सेलेक्ट करने के बाद इसको बीच से पकड़ के इस तरीके से ब्लू के साइड में आपको कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से मिड टोन्स को आपको सेलेक्ट करके इसको भी बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे ब्लू के साइड में हम कर देंगे, ठीक है। इतना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से टेक्सचर को इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 8% और क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 6% और डीएस को इंक्रीज करके प्लस में 6% कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे विग्नेट पे क्लिक करना है और यहाँ से अमाउंट को आपको हल्का सा कम कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा आपको कम कर, ठीक है। ज़्यादा यहाँ से कम आपको नहीं करना है, यहाँ पे
14% मैं रख लेता हूँ माइनस में। उसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट को भी हल्का सा कम कर लेंगे, 46% आपको मिड पॉइंट को रख लेना है, ठीक है। फेदर को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 60% और राउंडर्स को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे 23%, ठीक है। और इस फोटो को HD क्वालिटी में एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे शार्पनिंग का अमाउंट आपको इंक्रीज कर लेना है 28%। नेक्स्ट यहाँ से नॉइज पे क्लिक करना है, नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। अराउंड आपको नॉइज रिडक्शन को रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कलर नॉइज पे क्लिक करना है और कलर नॉइज रिडक्शन को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे 5%। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको स्मूथनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको फुल 100 कर देना है। फुल 100 करते ही आपकी फेस जो है फुल HD क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आप फोटो को देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अभी फोटो देख सकते हो कितनी मस्त एडिट हो चुकी है। तो गाइस वन क्लिक में कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना होगा, तो इसका प्रीसेट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके वन क्लिक में फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। एंड गाइस इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए यहाँ सेव वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करते आपकी फोटो HD क्वालिटी में गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।